तो प्रियंका मैम, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, और टीवी प्लीज बंद कर दीजिए। और दूसरा, मेरे पास यस बैंक के शेयर है, 287 शेयर है मेरे पास, और मैंने इसे 2213 पर लिया था ओके इसे। और मैं इसे पूछना चाहती हूँ क्या कि मैं इसे होल्ड करूँ या फिर इससे निकल जाऊँ। हाँ तो प्रियंका मैम, ये जो लॉक इन पीरियड था उसमें आप फंस गए शायद, इसलिए नहीं बेच पाया, राइट? ओके रजत सर, इनके पास यस बैंक के शेयर हैं, चॉइसेस तो अब कुछ बची नहीं, 90% वैल्यू इरोड हो चुकी है स्टॉक में, 14 रुपया वैल्यू आ गई है, 213 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं। आप क्या करें, बने रहने के अलावा कोई चॉइस है इनके पास, या क्या कर सकते हैं भैया? देखिए, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उसी वक्त, अभी 16 रुपया 60 पैसा पे 200 डे मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 16 रुपया 65 पैसा पे 50 डे मूविंग एवरेज है। दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्रेडियंट मतलब स्लोप जो है वो 50 डे का काफ़ी ज़ोरदार है। तो इस हालत में एक मेजर बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो मेरी उनके लिए मेरी एडवाइस, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसी वक्त अगर बेच के निकल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, अभी 14 रुपया 85 पैसा है, आपको 14 रुपया 85 पैसा की जगह 15 रुपया 25 पैसा मिले या 15 रुपया 50 पैसा मिले, वो देखिए लाख के फैक्टर है, क्योंकि अपना 9 डे मूविंग एवरेज को ये पिछले 15 दिन से तोड़ ही नहीं पा रहा है, उसको उसके पास जाता है और गिर जाता है। वो अभी 15 रुपया 20 पैसा पे है, तो आपको 15 रुपया 20 पैसा पार करने का ही संभावना बहुत कम है, तो इससे निकल जाइए। और एक चीज़ मैं आप लोगों की कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टॉक बहुत जोर गिर चुका है, उसमें और कुछ बच के रह गया क्या? थोड़ा फंडामेंटल भी देखिए, और इस टाइप का चीज़ अगर आप लेके बैठ जाएंगे तो आपका कैपिटल इरोजन होते हुए चलेगा। और आपने बाजार में आए हैं, शुरुआत अच्छा था, अगर अच्छी काउंटर लेके रखेंगे तो वो बाद में रिकवर भी कर सकता है। यस बैंक में कुछ खास होने वाला नहीं है, ये कैपिटल डिस्ट्रॉय किया है और भी डिस्ट्रॉय करेगा। आप मेरी सलाह लेंगे तो 14 रुपया 80 पैसा मिले, कुछ भी मिले, आप निकल ही जाइए, कुछ दूसरी जगह पे निवेश करेंगे तो कुछ रिकवरी की संभावना रहेगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और फिलहाल शांति रखिए, क्योंकि बाजार में काफ़ी जोरदार रूप से भी बाजार गिर सकता है इस लेवल से भी। तो आप बाद में अगर निवेश करेंगे और उस टाइम पे अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे, दो चीज़ देखिए कि उसका सेल्स ग्रोथ है कि नहीं, और आरओसीई जो है वो 25% से ऊपर है कि नहीं। अगर ऐसी कंपनी में आप ज़्यादा पैसा देके भी निवेश कर जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वो रख देंगे तो आपके लिए वो पैसा बना के ही देगा, लेकिन ये सब कंपनी में पैसा डालने से पैसा नहीं बनता। तो प्रियंका जी, पहली चीज़, आप कोई भी तेजी मिले, आपका लॉस जहां तक आप बियर कर पाओ आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। वन, दूसरा, जो आपने शुरुआत में किया था वो बिल्कुल सही था, आप क्वालिटी कंपनीज के साथ रह रहे थे और आप सही तरीके से चल भी रहे थे, तो आप उन्हीं के साथ ही स्टिक करो, वो एटलीस्ट टूटेंगे तो वापस पुल बैक भी आपको सही देंगे और आपका कैपिटल इरोजन नहीं होने देंगे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, और जो रजत दा आपको जिस तरह की क्वालिटी कंपनीज की बात कर रहे हैं, आप उनके साथ जाइए, वो एटलीस्ट एक अच्छे इस सिनेरियो में बहुत हेल्प करते हैं, भले रिटर्न उनका बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगा, एक एवरेज रिटर्न देंगे, लेकिन एटलीस्ट वो आप कैपिटल बचा के रखेंगे, तो आप उनको पहली तवज्जो दीजिए, इससे निकलने की कोशिश करिए जहां आप कर सकते हैं।